हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मोदक जो गणपति को तो पसंद आएंगे ही, साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो हम बनाने वाले हैं ओरियो बिस्किट मोदक जो बहुत ही आसान है और इन्हें हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। तो आपको यदि चॉकलेटी फ्लेवर के मोदक पसंद है तो बिना चॉकलेट के आप बिस्किट से बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 बिस्किट के पैकेट लिए हैं। आपको कम ज़्यादा बनाना है तो बिस्किट की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम सारे ही बिस्किट निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसके बाद जो इसकी क्रीम है वो हम अलग कर लेंगे और क्रीम से हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे जिस तरह से मोदक में होती है। तो बहुत ही आसान है बनाना, इसे अब हर कोई बना पाएंगे। तो हम जो क्रीम है वो निकाल कर एक साइड रख लेंगे और बिस्किट को तोड़कर मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। तो सारी ही क्रीम हम यहाँ पर निकाल ली है और जो बिस्किट थे उन्हें हम इस तरह से तोड़ते हुए मिक्सर जार में डालेंगे और पीसेंगे। और क्रीम में आप जो भी फ्लेवर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बिस्किट पीस लिए हैं और इसके बाद हमने थोड़ी सी यहाँ पर मलाई ली है जिसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके मलाई ऐड करते जाएंगे और एक डो तैयार करेंगे। डो हमें ना ही ज़्यादा सख्त बनाना है और ना ही ज़्यादा नरम, मीडियम ही हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ने आधा बाउल जो है मलाई ली थी तो वो थोड़ी थोड़ी करके मिक्स कर दी है और अब हम डो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है। तो हमने यहाँ पर जो मलाई ली थी वो पूरी ही मिक्स कर दी है। तो हम ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड करेंगे मलाई और ये बढ़िया सड़ो बन गया है। तो इसे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करते हुए चिकना करेंगे और एक बार हम चेक कर लेंगे कि इससे बन रहे हैं मोदक या नहीं। तो अभी थोड़े से और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम ये चिकना हो जाएगा नरम सा। इसके बाद ये बहुत ही बढ़िया इससे मोदक बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो लग के तैयार हो गया है और हमारी जो फिलिंग है मोदक की वो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और फिलिंग आप अपने पसंद के अनुसार फ्लेवर में बना सकते हैं। हम यहाँ पर कोकोनट मिक्स करके फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक अपना फ्लेवर है, इसमें हम कोई सा फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे। बस हमने यहाँ पर 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है और इसके बाद हम छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम मोदक तैयार करेंगे। तो इससे हम छोटी छोटी सी पहले से ही बॉल्स बना लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम अलग तरह की बिस्किट ले सकते हैं, तो जो भी फ्लेवर आप पसंद है वो वाले बिस्किट आप ले सकते हैं। तो इस तरह की आप पहले ही बना लें या फिर आप थोड़ी थोड़ी सी तोड़ते जाएं और फिलिंग करते जाएं मोदक में। तो हम पहले से ही बना कर रखेंगे। तो यहाँ पर ये बन के तैयार है और आप चाहें तो थोड़ा सा जो हमने कोकोनट लिया था उसमें इसे कोट कर दें, इससे और बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से हम सारे ही बॉल्स को कोकोनट में मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम मोदक तैयार करेंगे। तो इन्हें हम इस तरह से निकालते हुए एक बाउल में रख लेंगे। तो यदि आप चाहें तो इसे इस तरह से बना सकती हैं और इसके बाद हम एक बॉल लेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर जो डोलिया था उससे छोटी सी बॉल्स तोड़ लेंगे। तो उसे हाथों के बीच घुमाते हुए गोल गोल बनाएंगे और थोड़ा सा चपटा करेंगे और इसके बाद हम मोदक तैयार करेंगे। तो बिना गैस जलाए बहुत ही बढ़िया और आसान मोदक बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसे इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम एक बॉल्स लेंगे और इसे फिल कर देंगे और दोनों हाथों के बीच रखते हुए हम मोदक तैयार करेंगे। तो इसे हम मोदक का शेप देंगे इस तरह से। आपके पास यदि मोदक बनाने का सांचा है तो आप उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप हाथों से भी बहुत ही बढ़िया मोदक तैयार कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, मोदक बनके तैयार हो गया है। या तो आप इसी तरह से रखें या फिर इसमें थोड़ा सा आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं जैसे कि मार्केट में मोदक आते हैं। तो हम एक और मोदक यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे और सारे ही एक के बाद एक बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से रोल करते हुए चपटा करेंगे और इसके बाद जो हमने एक बॉल्स ली थी वो फिल कर देंगे और इसे फिर से हम
गोल गोल बॉल्स की तरह बना लेंगे और फिर हाथों की सहायता से इसे चिकना करेंगे और इसके बाद मोदक तैयार करेंगे। तो बहुत ही आसान है मोदक बनाना, तो एक बार आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे ये मोदक और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो ये नए और अलग तरह के मोदक बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मोदक बन के तैयार हैं। आप इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए या तो आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और मोदक बना लिया है और जो आइसक्रीम स्टिक आती है उससे हमने मोदक में डिज़ाइन बनाई है। तो इस तरह से हम एक और मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है और इससे पहले भी मैंने मोदक की रेसिपी शेयर की है, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मोदक तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आइसक्रीम स्टिक आती है तो थोड़ी सी ये मोटी रहती है, इससे बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन बन जाती है। और आपके पास ये नहीं है तो आप या तो चम्मच से या फिर टूथपिक से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर सारे ही मोदक बन के तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स ली है, सिल्वर वाली बॉल्स जो आती हैं तो वो लगा दी हैं, इससे ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे ही मोदक बन के तैयार हैं और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मोदक बने हैं। और आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।